चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाडियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाडियामी। तो यहाँ पर 228 लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोग विद पीपल को और संगठनों को इनको अगर कंपेयर करके सुनना चाहते हैं तो इसके लिए हमको हमारी कमिटमेंट कमिटमेंट कितनी है ये समझना जरूरी है। जैसे कि अब हम देख रहे हैं, अभी अजय जलवान सर न्यूयॉर्क में जुड़े, वो कार में सफर कर रहे हैं फिर भी फैमिली के साथ जुड़े हुए। बैल सर उधर लंदन में बैठे हैं, और सारे इंडिया में हम लोग करीब 20-22 राज्यों से लोग हम जुड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम संख्या में कम हो रहे तो गंभीर नहीं है, हम लोग गंभीर जरूर हैं, लेकिन बात यह है कि हम इस बात को कितनी गंभीरता से लेना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो कि सम्राट अशोक काल की एक घटना है। उससे पहले मैं तथागत बुद्ध का एक कोटेशन लूंगा और बाबा साहब का एक कोटेशन लूंगा कि इन दोनों हमारे गुरुओं ने क्या कहा है, वी द पीपल का क्या काम है और संगठन क्या काम कर रहे हैं, हमको क्यों चिंतन करना है कि हमारे 29 लाख में से 4.5 लाख संगठन काम तो करते हैं लेकिन उसमें कुछ खोट है, वो कौन सी कमियां हैं उसको हमको पूरा करके विद पीपल के साथ जुड़कर हमको काम करना होगा। तथागत बुद्ध का एक कोटेशन है, एक बुद्ध कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इज द बेसिक नेचर ऑफ यूनिवर्स। दुनिया में सबसे बड़ा अगर बेसिक काम क्या है तो एक दूसरे को समझ लेना, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या कोई भी चीज हो या वनस्पति हो, जीवित हो अजीवित चीज हो, वो अगर एक दूसरे को समझ लेती है तो ही हमारा संघ बनता है। अगर हम लोग जानवरों के ऊपर अत्याचार करेंगे तो जानवरों का हमारा रिश्ता नहीं कायम होगा, उसी तरह से हम लोग जितने भी इस दुनिया में लोग जुड़े हैं अगर हम एक दूसरे को ऊंच नीच मानते जाएंगे तो इसका कारण यह होगा कि हम लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो बुद्ध ने जो कहा कि अंडरस्टैंडिंग इज द बेसिक नेचर ऑफ यूनिवर्स, और जितना जितना हम औरों को अंडरस्टैंड करते जाएंगे समझते जाएंगे उतनी उतनी हमारी जो बुराइयों की दूरियां है, गलतफहमियों की दूरियां है, वो खत्म हो जाएंगी और हम एक संघ के रूप में जुड़ते जाएंगे। इसके ऊपर बाबा साहब का क्या कोटेशन है, बाबा साहब ने करीब 40-45 किताबें लिखी है और एक से बढ़कर एक किताब है, उनको अगर हम गहराई से पढ़ते हैं तो बाबा साहब की किताबों का एक एक सेंटेंस हमको जिंदगी भर काम आता है, इतना अच्छा ज्ञान बाबा साहब ने हमारे लिए छोड़ा है। लेकिन हम है कि गहराई से पढ़ते नहीं, समझते नहीं है। तो बाबा साहब ने मिस्टर रसेल एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, ये बर्टांड रसेल की जो किताब थी उसके ऊपर 1918 में एक समीक्षा लिखी थी, एक आर्टिकल लिखा था, बस उस आर्टिकल में बाबा साहब की उम्र सिर्फ 27 साल की थी, लेकिन रसेल जो थे, बर्टांड रसेल, वो दुनिया के बहुत ही जाने माने विचारक चिंतक माने जाते थे, उनके किताबों के ऊपर बाबा साहब ने किताब लिखी मिस्टर रसेल एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। उसमें बाबा साहब ने कहा, जो कि बुद्ध का विचार मैंने बताया ठीक वही विचार बाबा साहब ने भी कहा, बाबा साहब कहते हैं सोशल रिकंस्ट्रक्शन डिपेंड्स अपॉन द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल टू द सोसाइटी, प्रॉब्लम व्हिच हैज इंक्लूडेड द ग्रास्प ऑफ मेनी सोशियोलॉजिस्ट। दुनिया के जो भी समाजशास्त्री है वो बहुत गहराई से चिंतन करते हैं कि समाज की अगर पुनर्रचना करनी है तो उसके लिए क्या करना है। तो बाबा साहब कहते हैं कि सोशल रिकंस्ट्रक्शन डिपेंड्स अपॉन राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल टू द सोसाइटी, किसी एक व्यक्ति का समाज के साथ कैसा अंडरस्टैंडिंग है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो समाज कितना प्रगतिशील है। तो बाबा साहब का ये कथन है बुद्ध के कथन से ही बहुत मेल खाता है। इसी कथन को लेकर मैं एक सम्राट अशोक के काल का मैं उदाहरण देना चाहूंगा और उसके बाद तथागत बुद्ध का धम्म, सम्राट अशोक ने जो धम्म की थ्योरी फैलाई थी, संघ बनाया था, संघों को बहुत जागरूक करके सारी दुनिया में फैलाया था, और उसी विचारधारा को लेकर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से आगे कैसे संघ के रूप में बढ़ाया इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ। तो उदाहरण ऐसा है, सम्राट अशोक ने जब बुद्ध का धम्म अपना लिया था तो उन्होंने सोचा था कि तथागत बुद्ध का धम्म तो मुझे पता चल गया और मैं तो सम्राट हूं, मेरा साम्राज्य तो
जाकर अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक जाकर फैला है। इधर खोरान, खोतान, मंगोलिया तक जा चुका है और इधर बर्मा और श्रीलंका तक फैला हुआ है। आज के भारत से करीब करीब 2 से 2.5 गुना ज्यादा साम्राज्य सम्राट अशोक का फैला हुआ था। तो सम्राट अशोक ने क्या ऐसी कौन सी बात कही जिसकी वजह से उनका तथागत बुद्ध का धम्म इतना फैला था? तो एक उदाहरण है, सम्राट अशोक ने जब धम्म महामात्र को अपॉइंट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन या धम्म की एक मिनिस्ट्री खोल दी गई और जितना काम है सारा के सारा युद्ध के काम खत्म कर दिए और सारी उनके राज की शक्ति, एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ति भगवान बुद्ध के धम्म को प्रचार और प्रसार करने में लगाई। तो एक प्रांत का राजा था, एक सूबे का राजा था जो कि सम्राट अशोक का सबॉर्डिनेट था। तो सम्राट अशोक हर राजा को, प्रांत के राजाओं को टारगेट देते थे कि तथागत बुद्ध का जो धम्म है और हमने जो 84,000 जो स्तूप बनाए, जो शिलालेख लिखे, तो इनके माध्यम से कैसे इस धम्म को फैलाना है। तो एक गांव में एक जो प्रांत था, उस प्रांत का राजा था, उस राजा को टारगेट दिया था कि इस महीने में आपने तथागत बुद्ध के धम्म को कितना फैलाया और आपके एडमिनिस्ट्रेशन से कितना कुछ आपका प्रोग्रेस हुआ, इसका रिपोर्ट दे दो। तो उस राज्य की प्रगति कुछ कम हुआ करती थी, इसलिए सम्राट अशोक ने उनको कहा कि आपको आने वाले महीने में, आने वाले साल में धम्म का फैलाव करना है, लोगों के बीच में शांति और समृद्धि लानी है, उनके उद्योग में, उनके व्यापार में और उनके निजी जीवन में प्रगति करना है। तो वो राजा ने सोचा कि कैसे मैं सम्राट अशोक की इच्छा को पूर्तता करूं। तो वो उसके राज्य में कुछ 40-50 भिक्षु लोग आए और भिक्षुओं को बता दिया गया, भिक्षुओं की राजाओं के साथ बैठक होती थी, भिक्षु लोग तथागत बुद्ध का धम्म और सम्राट अशोक का प्रशासन उसको बताते थे। उसको बहुत ही अच्छा लगता था, उसने खुद बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और वो अपने राज्यों के लोगों में प्रचार करने की दिन रात कोशिश करता था। लेकिन लोग है कि वो अनपढ़ थे, लोगों में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी, उनमें जुड़ाव नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो राजा ने एक तरकीब निकाली और राजा ने एक घोषणा कर दी कि आने वाले 7 दिन के बाद संडे को हम लोग गांव को भोजन दे देंगे और मीठा मीठा भोजन देंगे और गांव के सभी लोग वहां पर आमंत्रित है। तो गांव के लोगों को जब राजा भोजन दे रहा है तो सभी लोग तैयार हो गए। तो राजा ने तरकीब अपनाई, तो वहां पर लोग आए, कुछ 400-500 हजार लोग इकट्ठा आए और राजा ने ये सोचा कि क्या परोसा जाए। तो उन्होंने, राजा ने डिसाइड किया कि गुलाब जामुन का भोजन परोसा जाए, क्योंकि गुलाब जामुन तो गरीब लोगों को, आम लोगों को मिलते नहीं थे। तो उन्होंने ये सोचा कि अभी ये पंगत बिठाई जाएगी और पंगत बिठाने के लिए पहले जो गांव के लोग है जो कि भिक्षुओं का कुछ सुनते नहीं है, धम्म का आचरण करते नहीं है, एक दूसरे के साथ विचार कर इकट्ठा आते नहीं और क्या उनके उनके बीच में जुड़ाव नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि पहले लोगों की पंगत बिठाई जाएगी और आमने सामने 1 मीटर के अंतर के सामने दो लाइनें बिठाई जाएगी, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको गुलाब जामुन परोसे दिए गए आपको प्लेटों में और आपको खाना है, लेकिन कंडीशन है कि आपके हाथ को 1 फीट की लकड़ी की पट्टी बांध दी जाएगी और उससे आपको वो गुलाब जामुन खाना है और एक दूसरे के सामने 1 मीटर के आगे लेकर दो पंगत बिठाएगी। तो लोगों, आम लोगों को बिठा, लोगों के सामने बहुत सारे गुलाब जामुन परोसे गए, 20-30-40 जिसने मांग की उतने गुलाब जामुन परोसे गए और लोगों को कहा कि खाना शुरू कर दो। हाथ को लकड़ी की पट्टी बांधी थी तो हाथ तो ऐसा फोल्ड नहीं होता था, तो गुलाब जामुन मुंह में नहीं आते थे। तो उन्होंने क्या तरकीब निकाली, तो लोग प्लेट का गुलाब जामुन उठाते थे, हवा में फेंकते थे और मुंह से झेलते थे। तो ऐसा होता था कि 10 गुलाब जामुन में से एक हाथ गुलाब जामुन उनके मुंह में गिरता था और बाकी सारे 9-10 में से 8-9 गुलाब जामुन नीचे गिरते थे, किसी के आंख पे गिरते थे, उसका जो सूप है वो गिरता था इधर उधर और सारा हड़कंप मचा था कि हमको गुलाब जामुन खाने को नहीं मिल रहे। और ऐसे उन्होंने हजारों गुलाब जामुन खत्म कर दिए, दो पंक्ते आमने सामने बिठाने के बावजूद भी उनके बीच में तालमेल नहीं था, इसीलिए वो गुलाब जामुन नहीं खा पाए और वो सारा खाना खत्म हो गया। उसके बाद राजा ने क्या कहा कि अब इस आपके बाद भिक्षुओं को ऐसे ही बिठाया जाएगा, भिक्षुओं के हाथ में भी पट्टियां, लकड़ी की पट्टियां बांधी जाएगी
और उनको गुलाब जामुन खाने के लिए बोला जाएगा। तो ये बात है संघ की, क्योंकि भिक्कू तो संघ में रहते थे, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग थी। भिक्कू ने क्या किया कि अपने ही प्लेट का गुलाब जामुन हाथ लंबा होने की वजह से जो सामने वाली पंगत में बैठा था उसके मुंह में डालना शुरू कर दिया और हर एक कप सारा पेट भर गया और एक भी गुलाब जामुन का नुकसान नहीं होते हुए सभी भिक्कुओं ने वो गुलाब जामुन खा ली। और राजा ने फिर लोगों को बुलाया कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो उधर चर्चा हो गई। भिक्कुओं ने कहा कि आपने कैसे सारे के सारे गुलाब जामुन खा लिए और इन्होंने कैसे किए। तो भिक्कुओं ने ये कहा कि हमने ये सोचा कि हमारे सामने 1 मीटर के अंतर में ही एक जो सामने की जो लाइन बैठी है, क्यों ना हम ऐसा करें कि उनके ही प्लेट का गुलाब जामुन उठाकर उनके मुंह में डाल दे और वो सामने वाला मेरे मुंह में डाल देगा। तो ये क्यों संभव हो गया, क्योंकि उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि वो संघ में रहते थे। यही बात हमारे 29 लाख संगठनों में से 4.5 लाख संगठनों में और वी द पीपल में अंतर है। हम लोग 4.5 लाख संगठन बाबा साहब के चले जाने के बाद पिछले 70 साल से समाज को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। एक संगठन दूसरों की बुराइयां करता है और इकट्ठा आने की बात ही नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, इसीलिए वो समाज को जोड़ नहीं पाता। तो ये जोड़ने के लिए तथागत बुद्ध ने क्या किया, तथागत बुद्ध का धम्म कैसा था और उस धम्म को बाबा साहब ने बुद्ध यानी धम्म में किस ढंग से रखा, इसका मैं उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूँ। तो भगवान बुद्ध का जो बुद्ध एंड इस धम्मा ये किताब बाबा साहब ने लिखी है, उसमें ये बात कही है कि लोगों का संघ बनता कैसे है, लोग जुड़ते कैसे हैं और लोगों का संघ जुड़ने के बाद उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है। तो बाबा साहब कहते हैं कि इसमें 3 बातों का फर्क होता है। बाबा साहब कहते हैं कि जो पुराना हमारा धर्म था वो धर्म अधम्म था, वो धर्म था ही नहीं, वो अधम्म था, अधर्म था, क्योंकि वो इंसानों को अब एक दूसरे के बीच जोड़ने का काम नहीं करता था। तो कौन सी बातें थी कि पिछले धर्म में, जिसको हम पिछले करीब करीब 1.5-2 हजार साल से ढो रहे थे, हम गंदगी में पड़े रहते थे, हमको उसमें शिक्षाएं मिलती थी, फिर भी हम उसी में, उस जातियों में और उस धर्म में पड़े रहते थे। तो उसमें बाबा साहब ने क्या डिफाइन किया कि धर्म में और धम्म में क्या फर्क है। तो बाबा साहब धर्म को अधम्म कहते हैं। तो बाबा साहब कहते कि धर्म में क्या होता है, तो धर्म का प्रिंसिपल एक होता है कि उसमें दैवी चमत्कार होता है। कोई तो भी एक शास्त्र होता है, उस शास्त्र में कोई भगवान होता है, वो भगवान आपको आशीर्वाद देता देता है ऐसा कहा जाता है और उसकी आपको आराधना करती है करना पड़ता है और वो चमत्कार करता है और आपके जीवन में खुशहाली लाता है, ऐसा धर्म कहता है, ऐसा बाबा साहब ने लिखा है। दूसरा क्या होता है धर्म में, बाबा साहब कहते कि ईश्वर में विश्वास करना होता है, क्योंकि कोई तो भी एक ईश्वर होता है, वो इस विश्व का निर्माण करता है और वो आपका पालन पोषण करता करता है, उसके लिए मंदिर में जाना पड़ता है और उसको कुछ दान देना पड़ता है और वो पुजारी को पंडित को दान देने के बाद वो आपको आशीर्वाद देता है, फिर वो ईश्वर आपको आशीर्वाद देकर आपका जीवन खुशहाल हो जाता है। ये दूसरी बात है धर्म में। तीसरी बात क्या है कि ब्रह्म संयुज्य में विश्वास, इसका मतलब आत्मा में ब्रह्म में विश्वास करना होता है कि कोई आत्मा होता है वो परमात्मा से जुड़ा होता है, आप पिछले जन्म में बुरे कर्म करते हैं इसलिए आप इस जन्म में बुरे पैदा होते हैं और इसलिए आपको आत्मा की व्यवस्था को मानना पड़ता है। और अगला सिद्धांत क्या होता है धर्म में, यज्ञ, यज्ञ में विश्वास करना पड़ता है। आपके जीवन में अगर खुशहाली रहनी है तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ में किसी प्राणी की आहुति देनी पड़ेगी, उसमें सोना चांदी देना पड़ेगा, आपके घर का पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि कल्पनाओं से मिश्रित विश्वास होता है, अंधश्रद्धाएं होती है, रूढ़िया होती है, उनमें विश्वास करना होता है और केवल धर्म ग्रंथों को पढ़ना होता है या सुनना होता है। और धर्म ग्रंथों के पुस्तकों में जो गलती होती है उस गलती रहे तो भी उसकी संभावनाओं को मानना पड़ता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि इन बातों से मिला हुआ धर्म होता है जो कि इंसान को बुराइयों में ही ढकेलता रहता है। तो बाबा साहब दूसरे चैप्टर में कहते हैं कि जो तथागत बुद्ध का धम्म है, धम्म की क्या क्वालिटीज है जो कि संघ को जोड़ती है। तो बाबा साहब कहते हैं कि धम्म में आने के बाद जीवन की पवित्रता रखनी अनिवार्य होती है, कि मेरा शरीर है मैं मेरे शरीर को ठीक रखूंगा,
मैं मेरे वाणी को ठीक रखूंगा और मैं मेरे मन को भी पवित्र रखूंगा। ये कंपलसरी बातें धम्म में आने के बाद करनी होती है। इसमें ना किसी ईश्वर को मानना होता है, ना इसमें आत्मा को मानना होता है, ना ये जो शास्त्रों में लिखी हुई गंदी गंदी बातों के ऊपर विश्वास करना होता है। इसमें जाति व्यवस्था नहीं होती है, ना किसी के बीच की दुराइयां होती है। तो पहली बात है जीवन की पवित्रता रखना, यानी शरीर से, काया से, वाचा से, वाणी से और मन से अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश करना होता है। ये पहला सिद्धांत धम्म में आने के बाद करना पड़ता है। दूसरा है कि जीवन में पूर्णता प्राप्त करना होता है। बाबा साहब ने कहा है कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इंसान का, इस दुनिया के हर एक इंसान का अंतिम उद्दिष्ट क्या होना चाहिए, तो अपने मन का अंतिम विकास करना। क्योंकि जब तक हम अपने मन को नहीं सिंचाएंगे, मन को अच्छा नहीं करेंगे, तो हम दूसरों को कैसे अच्छा करेंगे, दूसरों को कैसे अच्छा बनाएंगे। तो इसलिए मन को जीवन में पूर्णता की तरफ लेके जाना है। आगे की बात क्या करनी है, तो निर्वाण को प्राप्त करना है। क्योंकि निर्वाण यानी क्या होता है कि सारे दुखों से मुक्ति करना है। उसके बाद बुद्ध के धम्म में क्या करना पड़ता है, बाबा साहब कहते हैं कि तृष्णाओं का त्याग करना पड़ता है। क्योंकि हमारी बहुत सारी तृष्णाएं होती है, बहुत इच्छा होती है कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, बहुत सारा पैसा कमाऊं, घर अच्छा बनाऊं, गाड़ियां मेरे पास रहे, लोग मेरा सम्मान करे। ये तृष्णाएं हमारी अनिच्छाएं, ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो इसको जितना जरूरी है उतनी ही इच्छाओं को रखना। खाने के लिए जितना अच्छा लगता है, जितना अनाज लगता है, पहनने के लिए जितने कपड़े लगते हैं, उससे ज्यादा जितना भी कमाया जाएगा वो मैं दान में देता जाऊंगा। तो तृष्णाओं को हटाना होगा। उसके बाद बाबा साहब कहते कि अनित्य सिद्धांत को मानना। क्या अनित्यता का सिद्धांत है बुद्ध धम्म में, तो सभ्य संकार अनिच्छाति यदा पहिया पश्यति अत निबिंदन्ति दुखे ऐसा। जो भी निर्माण होता है उसको नष्ट होना होता है। हम इस दुनिया से कुछ भी साथ में लेके नहीं जाते। तो मैं, मेरे पास जितना भी ज्यादा है मैं उतना ही लोगों को बीच में बांट दूं, क्योंकि सभी अनित्य, जो भी निर्माण हो रहा है वो सभी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं दूसरों की मदद करने के लिए सदा तत्पर रहूं। उसके बाद बाबा साहब कहते हैं कि कर्म के सिद्धांत को मानना। क्योंकि जो भी मैं अच्छा कर्म करूंगा तो कर्म के विपाक के सिद्धांत से मुझे इसी जन्म में उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो ऐसे 8-9 सिद्धांत बुद्ध के धम्म में है। तो बुद्ध के धम्म में जो अधम्म को छोड़कर धम्म का अगर हम आचरण करते जाएंगे तो फिर उसका सद्धम में परिवर्तन हो जाएगा। तो सद्धम में क्या बातें हैं, तो बाबा साहब ने बुद्ध यानी धम्म में लिखी है, धम्मचरे सुचरितंग नतंग दुचरितंग चरे, धम्मचारी सुकंसेति अस्मि लोके परम मिच्छ। सुचरित धम्म का आचरण करें, प्रमाद के साथ इसका आचरण न करें। धम्मचारी इस लोक और परलोक में सुख से जीता है, ऐसा है धम्मपद का 159वीं गाथा कहती है। तो धम्म में क्या बातें होती है, सद्धम्म में क्या बातें होती है, तो सद्धम्म का उद्देश्य होता है कि मन के मैल को दूर करना, संसार को धम्म राज्य बनाना और एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार सुचारित रूप से रखना। धम्म को सद्धम्म का रूप देने के लिए प्रज्ञा, शील, करुणा, मित्रता और समानता की भावनाओं को बढ़ावा देना और प्रज्ञा को विकसित करना, शील का आचरण करना, करुणा के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करना, मित्रता यानी मित्रता भावना को रखना, बनाए रखना और हमारे बीच में समानता के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करना। अगर ये चीजें अगर आप लोग निरंतरता से करते जाओगे तो बाबा साहब कहते हैं कि अधम्म से निकलकर हम लोग धम्म को अपनाएंगे और धम्म को अपनाने के बाद, उसकी प्रैक्टिस करने के बाद, यही पश्चिम को उपनाय को हम उसको समझेंगे, जानेंगे, उसका परिणाम हमारे बीच में होगा, तो हम सद्धम्म का इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर करेंगे। तो सद्धम्म का निर्माण होगा जो कि इस देश को ही नहीं पूरे दुनिया को लाभकारक होगा। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड इज पॉसिबल थ्रू बुद्धिज्म। इस विश्व की अगर पुनर्रचना करनी है तो केवल और केवल भगवान बुद्ध के धम्म के शिक्षा के आधार पर ही इस दुनिया की पुनर्रचना की जा सकती है। यही बेसिक शिक्षा बाबा साहब ने द बुद्ध इज धम्म में कही है और यही बात बाबा साहब ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाली है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दो बेसिक मैंडेट बाबा साहब ने बताए, एक बताया कि टू क्रिएट अ कास्टलेस सोसाइटी और दूसरी बात टू एस्टेब्लिश एनलाइटन इंडिया।
जाति विरहित समाज का निर्माण करना और प्रबुद्ध भारत को स्थापित करना। तो जाति व्यवस्था को हमको हटाने के लिए फंडामेंटल राइट्स को हम इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आचरण करना पड़ेगा। तो एक तरफ हम धम्म का आचरण करेंगे तो हमारी संस्कृति का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, और दूसरी ओर अगर हम संविधान को इम्प्लीमेंट करने की गहराई से शपथ लेंगे और कोशिश करेंगे तो यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हम लोग इस देश में ला पाएंगे। और ये करते करते हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे, और अगर हम लोग एक दूसरे के साथ गहराई से धम्म का आचरण करते हुए जुड़ने की कोशिश करेंगे तो 4.5 लाख संगठनों का कोई काम नहीं होगा। 4.5 लाख संगठनों को हम बताएंगे कि हमने विद पीपल में जुड़ने के बाद ये तय कर लिया है कि हम अब के बाद हम खुद को जोड़ेंगे, मेरे परिवार को जोड़ेंगे, मेरे परिचित लोगों को जोड़ेंगे, और परिचित लोगों के साथ 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 हम इस देश के जो भी पीड़ित है, शोषित है, जो समस्या से ग्रस्त है, उन लोगों के हित का काम करेंगे ताकि वो भी लोग इस संघ में जुड़ते जाएंगे। और ये संघ में जुड़ते जाने के बाद जो भी धम्म को अधम्म की तरफ ले जाना चाहते हैं उनको हम एक नई शिक्षा देंगे कि भैया अधम्म का शिक्षा आप अधम्म में आप हमको नहीं रख सकते क्योंकि हम संख्या से 85% है। अगर 85% लोगों के बीच में संघ की ये धम्म को एकत्रित लाने की और संघ को जोड़ने की भावना अगर आखिरी इंसान तक पनपेगी, दूर दूर तक उसके मन में जाएगी, तो धीरे धीरे विद पीपल का संघ एक महाप्रलय का स्वरूप प्राप्त करेगा और आने वाले 1-2-3 साल में हो सकता है हम लोग लाखों की संख्या में जाएंगे, करोड़ों की संख्या में जाएंगे। और जितने लोग हम करोड़ों की संख्या में एक विचारधारा पे चलने वाले लोग होंगे तो हमें हमारे ऊपर अन्याय करने वाले लोगों की हिम्मत ही नहीं होगी। अगर हम 1 करोड़ लोग 2024-25 तक अगर जुड़ जाते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे संविधान को कोई आंच लगाए, संविधान का कोई एक आधा आर्टिकल खत्म करने की कोशिश करे, या किसी कोर्ट की हिम्मत नहीं होगी कि अगर हमारा वकीलों का संघ है, डॉक्टर लोगों का संघ है, वड्ढा लोगों का, बुजुर्गों का संघ है, यूथ लोगों का संघ है, महिलाओं का संघ है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संघ है वो अगर एक ही जगह पर उस कलेक्ट्रेट पे, तहसील पे या उस राज्य में अगर इकट्ठा होगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे सामने कोई आंख उठा कर देख सके। इसीलिए हमको बाबा साहब ने जो बताया हुआ जो धम्म है उस धम्म का गहराई से आचरण करना चाहिए। यह सारा कुछ डिपेंड होता है मुझ पर। अगर मैं चाहता हूं कि इतना सारा खाना बाबा साहब ने मेरे सामने परोसा है और मैं चाहता हूं कि मेरा उस खाने में कोई इच्छा ही नहीं है, मैं कहता हूं कि ये तो गंदा है, इसकी बास आ रही है, इसमें तो कुछ कचरा पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे आज तक बाबा साहब ने जो दिया है उससे मेरा पेट भरा है, मैं क्यों समाज में जाऊं, समाज तो भूखा पड़ा है लेकिन मैं क्यों जाऊं। अगर मैं ऐसा सोचूं तो जो समाज के ऊपर आज अन्याय हो रहा है कल वो अन्याय या कल वो अटैक मेरे घर में भी हो सकता है, मेरे आने वाले पीढ़ी के ऊपर भी अटैक हो सकता है। इसलिए मुझे खुद को संघ से जोड़ना है और जितना मैं गहराई से संघ को जोड़ूंगा उतना ही मैं आने वाले जो पीड़ित लोग है, शोषित लोग है, दुखी लोग है, उनको मैं जोड़ पाऊंगा। और ये मेरा निजी कर्तव्य है। अगर मैं अपने आप को अच्छा सच्चा अम्बेडकराइट कहना चाहता हूँ, सच्चा अम्बेडकराइट मैं दिखाना चाहता हूँ, तो मुझे विद पीपल्स के संघ के साथ जुड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर ये 4.5 लाख संगठन वाले लोग अगर बताते हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ और इससे भी बढ़िया प्लान हमारे पास है तो हम बड़ी खुशी से उनके साथ जाएंगे, क्योंकि पिछले 70 साल में हम उन्हीं के साथ जा रहे हैं, उनको पैसा भी दे रहे, उनको रिस्पेक्ट दे रहे, उनके लीडरशिप को मान भी रही है। यहाँ पर ना किसी की लीडरशिप को मानना है, कलेक्टिव लीडरशिप में इकट्ठा आना है, इकट्ठा आकर सोचना है, उन बातों के ऊपर नियम बनाने और नियमों के ऊपर आचरण करना है और उसी का हर दिन फैलाव करना है, और अलग अलग जो घटक संघ है उनका निर्माण करना है, और जिसको जो जिम्मेदारी दी जाएगी उस जिम्मेदारी को निभाना है, इतना ही काम हमको करना है। तो चलो सभी साथियों, मैं आपको इस विद पीपल के प्लेटफॉर्म से आपको गहराई से तहे दिल से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर हम बाबा साहब के सच्चे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, और आने वाले पीढ़ी को अगर हम अच्छी प्रोग्रेसफुल पीढ़ी बनाना चाहते हैं
तो वी द पीपल के साथ जुड़ेंगे, जोड़ेंगे, जीतेंगे, और जीतने के बाद जैसे कि हम इतिहास में सम्राट अशोक के काल में थे वैसे हम राजा भी बनेंगे, हम सत्ताधारी भी बनेंगे, हमारे उद्योग भी होंगे, हमारे हाथ में रोजगार भी होंगे, हम दूसरों को देने वाले बनेंगे। लेकिन ये सारा कुछ निर्भर करता है कि क्या मैं ये गहराई से सोचता हूँ, क्या मैं ये चाहता हूँ, ये सब कुछ डिपेंड है यही पस्सी को, ओपन आई को, पचतंग वेदितव्यो। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बढ़िया बात किए कटके सर, बहुत बढ़िया। साधु 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 बहुत बहुत साधुवाद सर, साधु साधु। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।